तो आज हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर टेम्पल, और क्या करते हैं देखते हैं। बहुत दिन हो गया है, हम कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हैं, और घर के भी कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए दिखा भी नहीं रहा। पता है तुम लोग बहुत नाराज हो गए क्योंकि कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं ना हम। चलो आज दिखा भी देते, और ये देखो सुंदर सज धज के और प्रोग्राम करेंगे आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राजमहल की ओर, और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आप लोगों को इस राजमहल की बहुत सारी ऐसे बातें जो बहुत सारे लोग आज नए जानेंगे। सो ये कहानी है इंडिया के स्मॉलेस्ट स्टेट में से ही एक, त्रिपुरा के बारे में। सुनी थी कि राजाओं ने लोगों की सेफ्टी और आने जाने की सुविधाओं के लिए भिन्न भिन्न जगहों में राजधानी की शिफ्टिंग किया है, और आज हम हैं ऐसे एक राजा गोविंद माणिक्य की राजमहल में, जो कि है उदयपुर में। और ये उदयपुर पहले रंगामाटी कहलाती थी, वर्तमान में त्रिपुरा की राजधानी है आगरतला, और आगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी में ये भुवनेश्वर टेम्पल अवस्थित है। काफ़ी रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये राजमहल 1660 और 1675 में बनाई गई थी, और गूगल करने पे मुझे पता चला कि गोविंद माणिक्य के और एक भाई है जिसका नाम है छत्र माणिक्य। और आज यहाँ पे मेला चल रहा है और यहाँ पे स्टॉल लगी है। चलो स्टॉल देखते हैं फिर बात करते हैं। आप बताओ क्या करना चाहते हो? इधर देखो, कह दो कहाँ से शुरू करो, जहाँ से शुरू करना। चलो फिर स्टॉल ही देख लेते हैं। स्टॉल देख के बहुत कुछ पता चला, मतलब त्रिपुरा की टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में पता चला, त्रिपुरा की एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, कैसे कैसे लोग ये सब करते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाई गई है। और फिर यहाँ की त्रिपुरा की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चला। अब मैं स्टॉल देखते देखते ही थक गई, क्या बताऊँ, मेरी बहन मुझे झाल मुझे खिला रही है, खा ले फिर देख। ब्लॉग में कुछ कह दो मेरी। हाय मम्मी। सो मैंने सुना है कि रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा में 7 बार आई थी, तब इन्होंने इन राजमहलों के बारे में, इन राजाओं की कहानियों के बारे में बहुत कुछ लिखी थी उन्होंने। तो इनमें से ही एक है राजर्षि उपन्यास। इनमें हम आज जो कुछ भी जानते हैं इस राजमहल के बारे में, सब कुछ इन्होंने लिखी थी, इसलिए हम जानते हैं आज। इसीलिए उनकी बर्थडे के दिन, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थडे के दिन हर बार यहाँ पे बहुत बड़ा करके मेला होता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वरी टेम्पल की ओर, जो कि है
राजा के महल से थोड़ी सी दूरी में चल के जाना पड़ता है। और राजा के महल के सामने ही बहुत ही सुंदर सा रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी है। तो यही है वो टेंपल जहाँ पे राजाओं के समय में पूजा हुआ करती थी। इसके साथ ही बहुत बड़ा सुंदर सा गार्डन मंदिर के ऊपर से पूरा नज़ारा दिखती है। और मैंने सुनी थी कि इस टेंपल में एक रिवाज हुई करती थी जो कि थी लोगों की बलि, मतलब इंसान की बलि होती थी यहाँ पे। ये जो रास्ता है यहाँ से उन लोगों के खून सीधा नदी पे जाती थी। और यहाँ पे जो टेंपल देख रहे हो ना, ये वाला असली टेंपल है जिसमें अभी मूर्ति है भगवान की, यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे मेला चल रही है, सब लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। यहाँ पे एक टावर भी है जहाँ से पूरा उदयपुर दिखती है, पर फिलहाल रात की वजह से हमने नहीं गए। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं। हमारे मेला घूमना तो हो गया डन। तो कहानी अच्छी लगी हो, अगर किसी को पता था पहले से, अगर कोई नहीं जानते थे तब भी कमेंट करना, बताना कैसी लगी। और आज मैं वादा करती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग लाऊंगी। सिर्फ देखते रहो और सपोर्ट करते रहो।